अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। यासर कफूर, प्रॉपर्टी एक्सचेंज बैरियट होम कराची के प्लेटफॉर्म से। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं प्रिसेंट 7 के अंदर 1000 गज का। यहाँ पर आपको एक बहुत ही शानदार घर, आज हम इसका कंप्लीट इनसाइड टूर करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप ये देख सकते हैं नाज़रीन, सबसे पहले इसका जो आउटर लॉन है, इसको काफ़ी बड़ी स्पेस में इसको मैनेज किया गया। यहाँ पर प्लांटेशन की गई है। सामने आप इसके आउटर एलिवेशन देख सकते हैं। इसका फ्रंट फसाद जो है वो इसका बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। यहाँ से इसकी मेन एंट्रेंस है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर कार पार्किंग की स्पेस भी यहाँ पर मिलेगी। ये इसका मेन गेट है, आप देख सकते हैं। इसका लुक जो है वो बहुत खूबसूरत लग रहा है। घर के अंदर एंटर होते हैं तो फ्रंट फसाद आप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत एलिवेशन इसकी जो है वो लग रही है। आपको यहाँ पर देख सकते हैं गैरेज के अंदर हम मौजूद हैं। गैरेज का साइज़ आपको दिखाऊँ तो यहाँ पर आप 3 गाड़ियाँ ईजिली पार्क कर सकते हैं। बहुत खुली स्पेस यहाँ पर आपको मिल रही है। ये आपको एक गार्ड रूम दिया गया, गार्ड रूम बनाकर, और साथ में कॉरिडोर स्पेस आप देख सकते हैं। काफ़ी बिग स्पेस यहाँ पर आपको मिल रही है। वॉल की बात करें तो यहाँ पर वॉल पर काफ़ी खूबसूरत आर्टिफिशियल ग्लास के साथ प्लांटेशन यहाँ पर अच्छी लग रही है। साथ में हम बात करेंगे इसका इनर लॉन। इनर लॉन की बात करें तो नाज़रीन, यहाँ पर आपको काफ़ी बड़ी स्पेस के अंदर इनर लॉन जो है आपको मिल रहा है। बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, यहाँ पर आप इसकी प्लांटेशन कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, एंट्रेंस करते हैं इस खूबसूरत महल के अंदर। अभी आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ से एक अप एंट्रेंस मिल रही है। ये आपका मेन डोर है, जो कोई डबल हाइट के साथ यहाँ पर इसको डिज़ाइन किया गया। ये आपको एक एंट्रेंस मिल रही है आपकी ड्राइंग रूम के लिए सेपरेट, ताकि आपके गेस्ट के लिए आपकी जो प्राइवेसी है वो मेंटेन रहे। ये जी इसकी डबल हाइट, आप एंटर होते साथ ही बहुत ही खूबसूरत लुक आपको मिलेगी। आप सबसे पहले ऊपर फानूस देख सकते हैं, और साइड पे जो ये वुड वर्क किया गया, इस साइड पर आपकी लेफ्ट साइड पर वुडन वर्क आपको मिलेगा, और राइट साइड पर आपको टोटल जो है मार्बल वर्क, टाइल वर्क आप देख सकते हैं। और साथ में एक ग्लास जो है यहाँ पर फिट किया गया, आप इसकी लुक देख सकते हैं। ये इसका लॉबी एरिया है, जिसको आप देख सकते हैं, बहुत ही वाइड लॉबी एरिया आपको यहाँ पर मिल रहा है। एंट्रेंस करते हैं इसके ड्राइंग रूम एरिया की तरफ। नाज़रीन, ये है इसका ड्राइंग रूम एरिया, या आप इसको गेस्ट रूम एज अ गेस्ट रूम डिज़ाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको देखेंगे तो सबसे पहले नीचे एक बहुत ही बड़े पीस के अंदर टाइल जो है यहाँ पर बिल्कुल इसके दरमियान में इंस्टॉल की गई है। ये एक मीडिया वॉल है, जिसके पीछे भी टाइल वर्क किया गया। आपको यहाँ पर जो कंसोल है, टीवी कंसोल यहाँ पर मिल रहा है। काफ़ी अच्छा वुड वर्क यहाँ पर किया गया, अच्छी लुक यहाँ पर आपको मिल रही है। सबसे बड़ी बात कि स्पेस बहुत ही बड़ी यहाँ पर आपको मिल रही है। डबल साइडेड विंडोज़ हैं, क्योंकि कॉर्नर पर आ रहा है, साथ से आपको जो लॉन का व्यू है वो भी मिल रहा है। अटैच वॉशरूम है, क्योंकि इसको आप एज अ गेस्ट रूम भी डिज़ाइन कर सकते हैं। तो ये आप एक वैनिटी मिल रही है, वैनिटी सेटअप के साथ आपको कमोड और एक WC सीट भी जो है यहाँ पर मिल रही है। आपको एक डाइनिंग रूम मिल रहा है, डाइनिंग रूम डिज़ाइन किया गया है, और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि इसको आप सेपरेट कर सकते हैं। ये एक ग्लास डोर है, जिसको आप स्लाइडिंग ग्लास डोर के साथ इसको सेपरेट कर सकते हैं। ऊपर सीलिंग वर्क की बात करें तो बहुत ही खूबसूरत वुडन लुक यहाँ पर दी गई है, और साथ ही आप इसकी स्पेस देख सकते हैं। ये भी यहाँ पर भी आपको एक स्लाइडिंग डोर मिल रहा है, ताकि आप इसको भी सेपरेट कर सकें। ये जैसा कि आपने देखा, इसको भी आप सेपरेट कर सकते हैं। लॉबी के लुक की बात करें तो यहाँ पर आपको, जैसा कि आप देख सकते हैं, आपकी सीलिंग वर्क बहुत ही खूबसूरत लग रही है। आप यहाँ पर लाइट्स देख सकते हैं, हैंगिंग लैंप्स जो यहाँ पर इंस्टॉल किए गए हैं। ये जो आपको डोर नज़र आ रहा है, ये है आपकी बेसमेंट का एरिया। बेसमेंट की तरफ चलेंगे बाद में, उससे पहले मैं आपको इसका बेडरूम दिखाता हूँ। बेडरूम की खूबसूरती आप और उसका साइज़ देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। ये देख सकते हैं नाज़रीन, ये है इसका मास्टर बेडरूम। साइज़ की बात करें तो बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही बड़ा साइज़ यहाँ पर आपको मिल रहा है। हर बेडरूम के अंदर आपको एक मीडिया वॉल मिल रही है। मीडिया वॉल की लुक आप देख सकते हैं कि टाइल वर्क जो है हर मीडिया वॉल के अंदर आपको मिलेगा, साथ में वुडन वर्क तो ज़रूरी है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर शेल्फ्स बनाई गई हैं, नीचे टीवी कंसोल्स हैं। बहुत ही खूबसूरत लुक यहाँ पर आपको बेडरूम के अंदर टोटल मिलेगी। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये टोटल साइज़ है आपके मास्टर बेडरूम ग्राउंड फ्लोर पर, जो कि आपको मिल रहा है। साथ में आपको वार्डरोब्स मिल रही हैं, काफ़ी बड़ी स्पेस के अंदर वार्डरोब्स हैं। अटैच वॉशरूम है, तो एंट्रेंस करते हैं वॉशरूम के अंदर। जी, आपका वॉशरूम है, जिसके अंदर एक कमोड, आपको एक कैबिन मिल रहा है जो कि शॉवर कैबिन आप देख सकते हैं। साथ में टाइल वर्क जो है यहाँ पर ब्लैक टाइल वर्क यहाँ पर किया गया, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। वैनिटी सेटअप आप देख सकते हैं। तो जी, ये था इसका फर्स्ट बेडरूम। अब इसके बाद हम चलते हैं इसके किचन और टीवी लाउंज एरिया की तरफ। उससे पहले ये आप देखेंगे, यहाँ पर आपको क्या ही खूबसूरत काम करके दिया गया। एक टोटल पीस जो है यहाँ पर आपको टाइल का मिल रहा है, काफ़ी बड़े बड़ी टाइल, ये पूरी टाइल है, ये वॉलपेपर वर्क नहीं किया गया, टाइल वर्क यहाँ पर किया गया, जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। सबसे पहले आप स्टेयरकेस को देखें, कि बहुत ही शहाना स्टेयरकेस यहाँ पर डिज़ाइन किया गया। इसके बिल्कुल राइट साइड पर है आपका किचन, और सामने आपको व्यू मिल रहा होगा स्विमिंग पूल का। जी, तो स्विमिंग पूल की तरफ हम लोग बाद में चलेंगे, उससे पहले किचन आपको दिखाते हैं। किचन की बात करें तो यहाँ पर आपको एक जो बीच में आइलैंड जो है, काफ़ी बड़ी बड़ा साइज आइलैंड का मिल रहा है। ये आप देख सकते हैं, टोटल आपको आइलैंड यहाँ पर मिल रहा है। उसके ऊपर सीलिंग वर्क के ऊपर आपको 2 लैंप्स इंस्टॉल करके दिए गए हैं। ये मेन किचन है, ग्रीसी किचन भी यहाँ पर मौजूद है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर मेन किचन की जो है नॉर्मल
आपको वाइट लुक यहाँ पर टोटल रखी गई है, साथ ही बिल्कुल आपको डर्टी किचन या ग्रीसी किचन जिसको आप कहते हैं वो यहाँ पर मिल रहा है। इसका साइज भी जो है नाज़रीन उसी के मुताबिक यहाँ पर रखा गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं डिश वॉशिंग एरिया यहाँ पर मौजूद है, साथ में स्टोव आपको मिल रहा है और वॉशिंग एरिया भी यहाँ पर मौजूद है। ये वॉशिंग एरिया है जो कि आपको कनेक्ट आप कर सकते हैं इसको बाहर कॉरिडोर एरिया से भी। ये तो ये इसका डर्टी किचन ग्रीस किचन है जिसकी स्पेस काफ़ी बड़ी यहाँ पर आपको मिल रही है। डर्टी जो आपका वॉशिंग एरिया है उसको आप सेपरेट कर सकते हैं, यहाँ पर भी एक स्लाइडिंग डोर जो है मौजूद है। वापस आते हैं मेन किचन के अंदर, तो इसकी लुक जैसा कि आपने देखी कि टोटल वाइट लुक यहाँ पर रखी गई है, लाइट कलर्स के अंदर आपको यहाँ पर इसकी लुक मिल रही है। ये फ्लोर पर आप एक टाइल वर्क देख सकते हैं जो कि यहाँ पर खूबसूरत लग रहा है। अब चलते हैं इसके स्विमिंग पूल एरिया की तरफ। नाज़रीन नीचे आपको स्टेप डाउन करके यहाँ पर आपको एक स्विमिंग पूल डिज़ाइन करके दिया गया। जी तो ये आप लोग देख सकते हैं आपका स्विमिंग पूल यहाँ पर मौजूद है। बाद ये जो है आप इसको देख सकते हैं काफ़ी वाइड स्पेस यहाँ पर आपको मिल रही है आपके घर के अंदर, या आप इसको टोटल आप इसका कॉरिडोर डिज़ाइन कर सकते हैं। ये है इसका स्विमिंग पूल और ये आपको स्पेस मिल रही है आपके कॉरिडोर के लिए। तो जी ये है इसका सेकेंड बेडरूम, इसका साइज़ भी जो है उसी के मुकाबले में आपको साइज़ मिल रहा है। टीवी लाउंज बिल्कुल मीडिया वॉल जो है इसके अंदर भी आपको डिज़ाइन करके दी गई है। नीचे टाइल वर्क आप देख सकते हैं इसके बिल्कुल सामने, मीडिया वॉल के सामने आपको टाइल वर्क मीडिया वॉल के अंदर भी मिल रहा है और साथ में टीवी कॉन्सोल भी यहाँ पर डिज़ाइन करके दी गई है। चलते हैं इसके वॉशरूम के अंदर, तो ये वॉशरूम की लुक आप देखेंगे तो नाज़रीन बहुत ही खूबसूरत लुक यहाँ पर आपको मिल रही है। वैनिटी सेटअप आप देख सकते हैं, मिरर के ऊपर जो लाइट्स यहाँ पर इंस्टॉल की गई हैं उसकी खूबसूरती में इजाफा कर रही हैं। साथ में आपको एक शॉवर कैबिन मिल रहा है, आपकी जो वार्डरोब्स हैं वो वॉशरूम के अंदर ही मौजूद है। यहाँ पर एक WC मिल रही है, साथ में आपकी जो वार्डरोब्स है वो आपके वॉशरूम के अंदर मौजूद है। बेडरूम का साइज़ आप मुलाहिजा कर सकते हैं काफ़ी बड़ा साइज़, और इसकी जो एक विंडो है वो आपको स्विमिंग पूल की तरफ व्यू करती है। एक बेडरूम भी अभी यहाँ पर बाकी है। तो यहाँ से इसकी टीवी लाउंज की स्पेस जो है स्टार्ट होती है। आप यहाँ पर मोल्डिंग वर्क देख सकते हैं, टीवी लाउंज के अंदर गोल्डन कलर से इसकी मोल्डिंग की गई है और साथ ही आपको ये मीडिया वॉल डिज़ाइन करके दी गई है। टीवी लाउंज की स्पेस आप देख सकते हैं, यहाँ से आपको डबल विंडो मिल रही है, विंडो पैनल्स आप देख सकते हैं जो कि आपकी कॉरिडोर की तरफ व्यू कर रहे हैं। जी अब मैं बाहर कॉरिडोर एरिया में आ चुका हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नीचे टाइल वर्क और साथ में नीचे स्टेप डाउन पर यहाँ पर आप प्लांटेशन आपको करके दी गई है, ग्रास यहाँ पर इंस्टॉल की गई है। साथ में वॉल वर्क आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, टाइल वर्क मार्बल वर्क यहाँ पर अच्छा किया गया। टीवी लाउंज के बिल्कुल साथ कनेक्ट होता है इसका थर्ड बेडरूम जो कि ग्राउंड फ्लोर पर मौजूद है। ये इसका बेडरूम है, बेडरूम नंबर 3 ग्राउंड फ्लोर पर मौजूद है और ये है इसकी थर्ड बेडरूम की जो मीडिया वॉल आप देख सकते हैं। एक विंडो आपको स्विमिंग पूल की तरफ व्यू करेगी और इसका अटैच वॉशरूम जो है वो यहाँ से आपको मिल रहा है। ये है इसका अटैच वॉशरूम, इसके अंदर भी आप वैनिटी सेटअप देख सकते हैं। लाइट्स अगर मैं ऑन करूँ तो ये आप इसका अब व्यू देखें कि बहुत ही खूबसूरत वैनिटी सेटअप आपको मिल रहा है। साथ में आपको शॉवर एरिया है जिसको कैबिन के साथ बिल्कुल ओपन रखा गया, कैबिन नहीं यहाँ पर बनाया गया। ये है इसका कमोड, एक जो है कबर्ड आपको अंदर भी मिलेगी। आपको वार्डरोब वैसे तो बेडरूम के अंदर मौजूद है, यहाँ पर भी आपको स्पेस मिल रही है। जी नाज़रीन ये था ग्राउंड फ्लोर का टूर, अब हम चलते हैं इसकी बेसमेंट के अंदर। बेसमेंट का व्यू मैं आपको दिखाता हूँ, तो ये अभी हम स्टेयर केस के साथ बिल्कुल जा रहे हैं और लॉबी एरिया से इसकी एंट्रेंस है बेसमेंट की तरफ। बेसमेंट की तरफ चलता हूँ और मैं आपको बेसमेंट की तरफ जाकर दिखाता हूँ कि बेसमेंट में क्या क्या मौजूद है। जी व्यूअर्स बेसमेंट में मैं आ चुका हूँ। बेसमेंट के अंदर आते साथ आपको ये जो टाइल वर्क मिल रहा है आप देख सकते हैं, टोटल यहाँ पर आपको वाइट लुक मिलेगी टाइल के अंदर, एक ही तरह की टाइल यहाँ पर टोटल यूज़ की गई है। सबसे पहले आते साथ आपको एक ओपन स्पेस मिलेगी जैसा कि आप देख सकते हैं, इसको आप अपने मुताबिक यहाँ पर डिज़ाइन कर सकते हैं, इसको आप अपना लिविंग रूम बना सकते हैं। ये है एक बहुत ही बड़ा साइज़ यहाँ पर आप देख सकते हैं, अपनी मर्ज़ी यहाँ पर आप कर सकते हैं। यहाँ पर आप अपना प्लेइंग एरिया बनाएं, यहाँ पर आप थिएटर बनाना चाहते हैं तो वो आप बना सकते हैं। काफ़ी बड़ी स्पेस आपको यहाँ पर मिल रही है, विंडो यहाँ पर एक मौजूद है और इसको सेपरेट आप कर सकते हैं। ये लिविंग रूम के साथ ही आपको एक स्पेस मिलेगी जिसको आप एज आ अपना वर्क स्टेशन या अपना ऑफिस स्टूडियो जो भी आप डिज़ाइन करना चाहते हैं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको स्पेस मिल रही है आपके ऑफिस के लिए। ये जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको वुड वर्क किया गया, शेल्फ यहाँ पर बनाई गई हैं, आप यहाँ पर अपनी कीमती सामान जो है रख सकते हैं। ये भी आपको स्पेस मिल रही है आपकी सीटिंग के लिए। एक और चीज़ जो बेसमेंट के अंदर मौजूद है वो है एक और रूम, रूम स्पेस आपको मिल रही है। यहाँ पर आप अपना बेडरूम डिज़ाइन कर सकते हैं, जो भी आप करना चाहते हैं वो यहाँ पर आप डिज़ाइन कर सकते हैं। ऊपर एक विंडो मौजूद है वेंटिलेशन के लिए। ये था इसका बेसमेंट का व्यू, अब चलते हैं इसके फर्स्ट फ्लोर की तरफ और वहाँ पर जाकर आपको दिखाते हैं कि फर्स्ट फ्लोर पर क्या क्या मौजूद है।
जी व्यूअर्स, लॉबी के अंदर मौजूद हूँ। लॉबी से हम एंट्रेंस करेंगे इसके फर्स्ट फ्लोर की तरफ। तो जैसा कि मैंने आपको स्टेयर केस इसी दिखाई है किसकी, जिसकी लुक जो है बहुत ही शाना आपको मिल रही है। इस साइड पर आप इसकी जो राउंड किसो किया गया उसकी वजह से इसकी खूबसूरती में और इजाफा हो रहा है। साथ में आप एक बहुत ही बड़ा फानूस, यहाँ पर आप इसको शैंडेलियर देख सकते हैं कि जो कि टॉप से इसकी डबल हाइट से हैंग हो रहा है। आप देख सकते हैं ऊपर से आपको स्काई लाइट भी मिल रही है, बहुत ही खूबसूरत व्यू यहाँ से आपको मिलेगा। आपके सबसे पहले स्विमिंग पूल के साथ ही बिल्कुल आपको स्टेयर केस मिल रहा है। अब चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि फर्स्ट फ्लोर पर क्या मौजूद है। सबसे पहले आप यहाँ पर इसकी स्टेयर केस की लुक देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत यहाँ से आपको लग रही है। साथ में अब हम आ चुके हैं इसके शैंडेलियर के बिल्कुल करीब। वॉल पर आप लाइट वर्क देख सकते हैं, यहाँ पर अब हम मौजूद हैं फर्स्ट फ्लोर के ऊपर। तो फर्स्ट फ्लोर का यहाँ से भी आपको इसको सेपरेट गेट मिल रहा है जो कि आप इसको बंद कर सकते हैं। व्यूअर्स, फर्स्ट फ्लोर पर हम आ चुके हैं और सबसे पहले मैं आपको मैप डिज़ाइन जो है इसका एक्सप्लेन करूँ। तो सबसे पहले आपको किचन मिलेगा और साइड से आपको घर का बाकी एरिया मिलेगा। इस साइड पर जो है दो बेडरूम्स डिज़ाइन किए गए हैं। सबसे पहले इन बेडरूम्स के अंदर चलते हैं और उसके बाद हम आपको आगे लेकर चलेंगे। इन बेडरूम्स की खासियत यह है कि यहाँ पर आपको अटैच बालकनी इनके साथ मिलती है। आपके बेडरूम के साथ आपको बालकनी मिल रही है जो कि बहुत ही अच्छी बात है। अब ऊपर बात करें तो यहाँ पर आपको स्टार साइन के अंदर ऊपर आपको सीलिंग वर्क मिल रहा है, जिसके अंदर बहुत ही खूबसूरत वार्म लाइट के अंदर लाइटिंग की गई है। साथ में आपको मीडिया वॉल मिल रही है। वार्डरोब्स यहाँ पर आपको बेडरूम के अंदर भी मिल रही हैं, वॉशरूम के अंदर भी आपको एक स्पेस मिलेगी। ये है आपका अटैच वॉशरूम। वॉशरूम के अंदर हम आ चुके हैं। तो सबसे पहले मैं आपको लाइट ऑन करके इसकी वैनिटी सेटअप का लुक दिखाऊँ। तो ये आप देख सकते हैं, अंदाज़ा करें कि कितना खूबसूरत यहाँ पर आपको वैनिटी सेटअप मिल रहा है। एग्जॉस्ट फैन इंस्टॉल्ड है, यहाँ पर आपको एक कमोड जो है वो मिल रहा है। पीछे आप इसके टाइल वर्क देख सकते हैं, बहुत अच्छी हाइट यहाँ पर घर की रखी गई है। साथ में आपको एक शॉवर कैबिन मिल रहा है, इसकी भी आप यहाँ पर लुक देख सकते हैं। मैंने फोर्थ बेडरूम दिखाया, फिफ्थ बेडरूम के अंदर चलते हैं और आपको उसका लुक दिखाते हैं। जी व्यूअर्स, ये है इसका फिफ्थ बेडरूम। आपको अंदर आते साथ ही अंदाज़ा हो गया होगा कि कितना बड़ा साइज़ आपको बेडरूम का मिल रहा है। ये है जी इसकी मीडिया वॉल। यहाँ पर आपका बेड मौजूद होगा इस साइड पर और आपको बिल्कुल व्यू मिलेगा आपके मीडिया वॉल का। यहाँ पर आप इसका एक स्लैब देख सकते हैं टाइल का, और ये टोटल आपकी मीडिया वॉल की लुक है। अंदाज़ा करें कि कितना ही बड़ा बेडरूम यहाँ पर आपको मिल रहा है अटैच वॉशरूम के साथ। वॉशरूम के अंदर चलते हैं तो यहाँ पर आपको सबसे पहले वार्डरोब्स मिलेंगी, वॉकिंग क्लोजेट है। वॉशरूम आगे है, इसकी वॉकिंग क्लोजेट्स यहाँ पर आपको मिल रही हैं। आपको डबल साइडेड जो है दोनों साइड पर आपको क्लोजेट्स मिल रही हैं। एक बार आप दोबारा देख सकते हैं कि ये आपको टोटल वॉकिंग क्लोजेट जो है यहाँ पर आपको मिल रहा है। उसके बाद आप एंटर होंगे आपके वॉशरूम के अंदर। ये है जी इसका वॉशरूम। वॉशरूम की लुक आपको दिखाऊं तो यहाँ पर आपको एक कमोड मिलेगा, डब्ल्यूसी सीट मिलेगी और आपको शॉवर एरिया जो है उसके पीछे टाइल वर्क आप देख सकते हैं कि बहुत ही खूबसूरत शेडोश कलर के अंदर यहाँ पर आपको टाइल वर्क मिल रही है। निशेज यहाँ पर मौजूद है और वैनिटी सेटअप भी आप एक बार देख सकते हैं कि बहुत ही खूबसूरत वैनिटी यहाँ पर इंस्टॉल की गई है। पीछे मिरर वर्क जो है यहाँ पर अच्छा लग रहा है। पांच बेडरूम्स मैंने आपको अभी दिखाए हैं, अभी हम चलेंगे इसके टीवी लाउंज और किचन एरिया के साइड पर। ये है इसका फर्स्ट फ्लोर का किचन, जो कि बहुत ही बड़ा ओपन किचन यहाँ पर आपको मिल रहा है। इसके साथ भी आपको जो है वॉशिंग एरिया और रूफ टॉप का स्पेस मिलेगी। ये है यहाँ पर आप अपनी अप्लाइंसेज रख सकते हैं, रेफ्रिजरेटर स्टोव यहाँ पर इंस्टॉल्ड है जो कि ग्लैम गैस का यहाँ पर आपको मिल रहा है। ऊपर आपको एग्जॉस्ट हुड जो है वो भी ग्लैम गैस कंपनी का ही मिल रहा है। ये इसकी कैबिनेट्स है जो कि हाइड्रोलिक है, ये आप देख सकते हैं हाइड्रोलिक आपको ड्रॉर यहाँ पर मिल रही हैं। साथ में ये आपका काउंटर टॉप है मार्बल का, आप इसकी लुक देख सकते हैं। ये डिश वॉशिंग एरिया है जिसको बिल्कुल विंडो के साथ रखा गया। ग्राउंड फ्लोर पर भी वॉशिंग एरिया मौजूद है, फर्स्ट फ्लोर पर भी मौजूद है। ये आप इसको देख सकते हैं, इसको आप सबसे पहले सेपरेट कर सकते हैं। अगर आप इसको बंद करना चाहते हैं तो ये लें, ये बंद हो गया और ये है आपका वॉशिंग एरिया। टैप्स यहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ पर आप अपनी वॉशिंग मशीन लाएं और इसको वॉशिंग एरिया बनाएं। ये है जी दो डोर्स जो कि आपको सबसे पहले ये आपको लेकर जाएगा आपके रूफ टॉप के ऊपर। स्पेस आपने देखी नाजरीन, बिल्कुल ही इसको सेपरेट किया गया, स्पेस को काफ़ी अच्छा यूटिलाइज़ किया गया और उसके साथ यहाँ पर आपको एक स्पेस मिलेगी ओपन। तो व्यूअर्स, किचन की स्पेस मैंने आपको दिखाई और ये एरिया है जहाँ से आपको एंट्रेंस मिली थी आपके ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर की तरफ। सीलिंग वर्क की बात करें तो यहाँ से आपको टोटल सीलिंग वर्क मिल रहा है रेक्टेंगल शेप के अंदर। और ये है जी आपकी एक लॉबी एरिया, आप इसको कह सकते हैं। यहाँ से आपको स्पेस कनेक्ट हो रही है आपके बेडरूम्स की तरफ, आपके ऑफिस स्टेशन के अंदर, और काफ़ी बड़ी स्पेस यहाँ पर आपको मिल रही है। ये है जी इसका स्टोर रूम, आप इसको स्टोर रूम डिज़ाइन करना चाहते हैं या प्रेयर रूम बनाना चाहते हैं तो आपकी अपनी मर्ज़ी है। सीलिंग वर्क की बात करें तो यहाँ पर आप इसकी प्रोफाइल लाइटिंग देख सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर वुडन वर्क जो है डार्क कलर्स के अंदर रखा गया और उसके बाद आपको वार्म लाइटिंग की यहाँ पर मौजूद यहाँ पर आपको नज़र आ रही होगी।
ये एक स्पेस है जो कि आपको कनेक्ट करेगी आपके कॉरिडोर के अंदर, यानी आप ग्राउंड फ्लोर से इस साइड से भी फर्स्ट फ्लोर पर आ सकते हैं। मैं आपको इसकी क्लुक दिखा दूँगी। यहाँ से आपको स्पेस मिलेगी आपके ग्राउंड फ्लोर की तरफ, ये आपको ग्राउंड फ्लोर की तरफ लेकर जाएंगे नाज़रीन। ये है डोर जो कि आपको ग्राउंड फ्लोर पर कनेक्ट करेगी, और साथ ही आपको एक कॉर्नर का मास्टर बेडरूम मिल रहा है ये जी, इसको आप सेपरेट कर सकते हैं। यहाँ से आपको स्लाइडिंग डोर मिलेगा, स्लाइडिंग डोर है, और ये है इसका पता नहीं कौन सा नंबर बेडरूम था, लेकिन फिर भी हम इस बेडरूम के अंदर मौजूद हैं। और ये यहाँ पर आप इसकी मीडिया वॉल लुक देख सकते हैं। इसको जो है यहाँ पर वुड वर्क यहाँ पर किया गया, ये टाइल वर्क नहीं है, ये है टोटल वुड वर्क। नीचे आप इसकी जो वुड वर्क यहाँ पर आपको मिल रहा है उसको भी आप देख सकते हैं। साइज़ मैं आपको दिखाऊँ तो ये इसका साइज़ है मास्टर बेडरूम का, ये कॉर्नर का और फ्रंट का बेडरूम है, क्योंकि यहाँ पर आपको फ्रंट का लुक मिलेगा। और ये आप देख सकते हैं आपको बालकनी भी यहाँ पर इसके साथ मिल रही है, आपके लॉन का व्यू भी यहाँ से आपको मिल रहा है। तो वॉशरूम की जो लुक है वो इसकी बहुत ही डिफरेंट यहाँ पर आपको वॉशरूम की लुक मिलेगी, क्योंकि इसको इस तरह डिज़ाइन किया गया कि आप इसको साइज़ इसका आप देख सकते हैं। एक आपको कमोड मिल रहा है, शॉवर एरिया बिल्कुल आपको एंड पर इसके डिज़ाइन करके दिया गया, जिसके अंदर डार्क टाइल लुक यहाँ पर रखी गई है। डिशेज़ यहाँ पर मौजूद है, एग्जॉस्ट फैन जो है यहाँ पर मौजूद है, और ये आपका वैनिटी सेटअप है। अगर वैनिटी की लाइट्स चलती हूँ तो मैं आपको दिखाता हूँ। जी बिल्कुल लाइट्स चल रही हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका वैनिटी सेटअप जो कि गोल्डन और ब्लैक के अंदर यहाँ पर इसको डिज़ाइन किया गया। ये इसका नंबर आई थिंक 6 बेडरूम था। जी हाँ बिल्कुल 6 बेडरूम था ये। और अब हम आ चुके हैं इसके बाकी लॉबी के अंदर, और आपको दिखाते हैं इसका लास्ट बेडरूम, नंबर 7 बेडरूम है जी ये। आप इसको देख सकते हैं काफ़ी बड़ा साइज़, हर बेडरूम का साइज़ जो है सबसे बड़ा और सबसे मुख्तलिफ बेडरूम, हर बेडरूम मुख्तलिफ है, क्योंकि इसके अंदर मीडिया वॉल हर बेडरूम के अंदर मुख्तलिफ डिज़ाइन की गई है, और साथ में आपको वार्डरोब सीलिंग वर्क जो है वो डिफरेंट मिल रहा है। इसके साथ बालकनी अटैच की गई है नाज़रीन, ये देख सकते हैं आपके फ्रंट का बेडरूम है ये, और इसके साथ आपको बहुत ही बड़े साइज़ की जो है टेरेस बालकनी जो भी आप कहना चाहते हैं आपको मिल रहा है। ये स्पेस आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप सिटिंग कर सकते हैं, आपके बेडरूम के साथ बिल्कुल अटैच हो रहा है। बेडरूम के अंदर वापस चलते हैं, इस बेडरूम के अंदर हम आ चुके हैं। तो ये था इसका लास्ट बेडरूम। अभी जो लास्ट चीज़ आपको दिखाने वाली रहेगी है वो है इसका फर्स्ट फ्लोर का मास्टर टीवी लाउंज। टीवी लाउंज के अंदर आ चुके हैं नाज़रीन। सबसे पहले मीडिया वॉल आप देख लें, मीडिया वॉल जो है बहुत ही शानदार। दरमियान के अंदर यहाँ पर आपको एक टाइल लुक मिल रही है, टोटल ऊपर से लेकर नीचे तक आपको टाइल वर्क यहाँ पर मिल रहा है। साइड पर आपको वुड वर्क करके दिया गया, ये आप देख सकते हैं ये वुड वर्क है, और नीचे भी आपको टीवी कंसोल मिल रहा है। ये इसकी स्पेस है टीवी लाउंज की। ऊपर आप सीलिंग वर्क देखें, हर जगह का, हर रूम स्पेस का आपको सीलिंग वर्क जो है मुख्तलिफ से मुख्तलिफ मिल रहा है। काफ़ी बड़ी साइज़ की यहाँ पर विंडोज़ मौजूद है, विंडोज़ आप देख सकते हैं, यहाँ से विंडो जो है ओपन भी हो जाएगी, और ये आपको सीलिंग एरिया मिल रहा है टीवी लाउंज के अंदर। एहरिया टाउन कराची के रिलेटेड किसी भी किस्म की इन्फॉर्मेशन के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर रابطہ कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।